नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौर्य। कोई आपसे आकर ये कहे कि इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई, तो इस खबर को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई दूर देहात की ये खबर है, लेकिन नहीं, ये हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में, जहाँ दूर देहात के बच्चे पढ़ने आते हैं, अपने और अपने पूरे परिवार के सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। शनिवार को ये हादसा हुआ देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां राव आईएएस स्टडी सेंटर, इसके बेसमेंट में जो एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां पानी भर आता है और उस पानी में डूबकर 3 होनहार छात्रों की मौत हो जाती है। वो सिर्फ 3 छात्र नहीं थे, वो 3 छात्र अपने अपने परिवारों का मजबूत सहारा थे, वो 3 छात्र अपने माँ बाप की आंखों का तारा थे, वो 3 छात्र अपने भाई बहनों की उम्मीद थे कि जब वो अधिकारी बन जाएंगे तो उनकी ही राह पर, उनके ही मार्गदर्शन से उनके जो भाई हैं, भाई बहन हैं, उनका भी भविष्य संवर जाएगा। लेकिन वो सारे सपने बेसमेंट में भरे उस पानी में डूब गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी जिम्मेदारी थी, अब ये पूरा खेल चल रहा है। सियासत दिल्ली में जमकर हो रही है। किसकी दिल्ली, कितनी दिल्ली, किसके पास कितना अधिकार, मेरे पास कम अधिकार, इसको लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन 3 परिवार जो देश के अलग अलग हिस्से से, जहां से ये 3 बच्चे आए थे, वो 3 परिवार हमेशा के लिए इस गम में डूब गए हैं कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी आँखों के तारे को दिल्ली वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। एक्शन हुआ है, 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। धड़ाधड़ अब कार्रवाई जारी है। MCD जागी हुई है, दिल्ली पुलिस जागी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वो इंस्पेक्शन जो पहले ही हो जाना चाहिए था, वो अधिकारी जिनका पहले ही जाग जाना ज़रूरी था, अब वो जागकर कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही फेमस चेहरा है, विकास दिव्यकृति, दृष्टि IAS के संस्थापक है और सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस काफ़ी वायरल भी होते हैं। आज उनके संस्थान नेहरू विहार में, जो उनका संस्थान है दृष्टि द विजन, उस पर कार्रवाई हुई है, उसे सील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा था। उनका संस्थान एक मॉल में बेसमेंट पर, वहां पर क्लासेस चलाई जा रही थी। क्या कहेंगे इस पर दृष्टि द विजन सबको दिखाने वाले विकास दिव्यकीर्ति, वो हम आगे आपको बताएंगे। वापस लौटते हैं जो ये हादसा हुआ शनिवार को। अलग अलग पॉइंट्स के जरिए इस हादसे को समझाने की मैं कोशिश करूंगी आपको। 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग जहां पर ये बेसमेंट था, जहां लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसकी पहले बिजली जाती है, बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो जाता है, उसकी वजह से छात्र वहां पर फंस जाते हैं। पानी धीरे धीरे पार्किंग के रास्ते सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू होता है। पहले पानी का इतना फ्लो नहीं था, लेकिन फिर पानी का बहाव इतना बढ़ता है कि दरवाज़ा तोड़कर, गेट तोड़कर सीधा पानी बहुत फ्लो के साथ अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। बच्चे, आप देखेंगे इस वीडियो में भी कि बच्चे एक एक करके ऊपर की तरफ आ भी रहे हैं। आवाज़ लगातार ये पूछी जा रही है कि कोई अंदर रह तो नहीं गया। रस्सियाँ फेंकी गई, लेकिन क्योंकि पानी बहुत गंदा था, वहाँ पे पानी अचानक से इतना इकट्ठा हो गया कि उन बच्चों को समझ नहीं आया। और जब तक सभी छात्रों को बाहर निकाला गया, तब तक कुछ छात्र वहाँ पर जो क्लासेस में पढ़ रहे थे लाइब्रेरी के अंदर, वो बेंच पर खड़े हो जाते हैं। 10 से 12 फीट पानी देखते ही देखते भर जाता है। रात भर पानी को बाहर निकालने का काम चलता है और तब ये मालूम पड़ता है कि 3 छात्र जो गए थे वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, वो ज़िंदगी को बचा पाने में नाकामयाब हो गए। कसूर किसका, दोष किसका, किसकी कितनी गलती, अब इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। परिवारों ने अपने अपने बच्चों की अंतिम क्रिया कर दी है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उन्होंने किस घड़ी में अपने बच्चों को यहाँ भेजा था। बड़ी बात आती है वापस से इस कोचिंग सेंटर की। जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाकर नियमों की अवहेलना हुई थी, वो कोई आज का कोचिंग सेंटर नहीं है। कोचिंग सेंटर राव स्टडीज़ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके मुताबिक 70 सालों से ये IAS तैयार करता आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतने सालों का अनुभव, अपना एक नाम, और इसी वजह से यहाँ पर
छात्र पढ़ने आते थे। 3 छात्रों की मौत हुई। 25 साल की श्रेया जो यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जुलाई में इसी महीने इसी साल उन्होंने इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया था। नेविन डॉल्विन केरल के रहने वाले थे, जेएनयू से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे और पिछले 8 महीने से वो आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे। तान्या 25 साल की उम्र थी, तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थी और पिछले साल से वो कोचिंग में तैयारी कर रही थी। ये तीनों होनहार छात्र थे और तीनों आज नहीं रहे। दोस्त जो इनके साथी छात्र हैं बेहद गुस्से में हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कोई ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के जो नियमों की अवहेलना करके कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे थे उसकी जानकारी वक्त वक्त पर हर हादसे के बाद सामने निकल कर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती हम आपको बताते हैं। सियासत हो रही है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी का दोष है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का दोष है, बीजेपी कह रही है कि बेसमेंट पे लाइब्रेरी कैसे चलाई जा रही थी, ये तो बिल्डिंग नियमों के सीधे तौर पर अवहेलना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कोई पिछले 1 साल से यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं चल रही थी, पहले से ही चलती आ रही थी। इस कोचिंग सेंटर के सामने ही एक पिंक बूथ था, पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते थे, उसके बावजूद भी किसी पुलिस ने गौर क्यों नहीं किया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चलाई जा रही है। उस पर भी एक बड़ी बात, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छात्र किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने बकायदा पोर्टल पर शिकायत की थी कि यहाँ अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है जो बिल्डिंग नियमों के खिलाफ है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। पोर्टल पर ही उन्हें जवाब दिया गया कि कार्रवाई की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किशोर के दावे के मुताबिक उन्होंने दोबारा रिमाइंड डाला, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। 27 जुलाई को यह हादसा हुआ, 22 तारीख को किशोर ने वापस से एक रिमाइंडर भेजा कि यहाँ पर इलीगली इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। 27 तारीख को शनिवार रात को यह हादसा होता है और 3 छात्रों की मौत हो जाती है। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब जरा हम आपको वापस इस कोचिंग सेंटर पर ले चलते हैं जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 70 सालों से वो आईएएस अधिकारी तैयार करता आ रहा है। इसकी फीस सुन लीजिए आप। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ही जनरल स्टडीज़ की ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है उस वो है 1,75,000 रुपये। इसमें लाइव ऑनलाइन कोर्स की फीस है 95,500 रुपये। साल 1953 में बने इस इंस्टीट्यूट की जो ब्रांचेज हैं दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, हर कोई एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है और अब जागा हुआ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या 3 छात्रों की मौत का इंतजार था प्रशासन को जागने के लिए? जो छात्र दूर दराज से आए थे, देहात से आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उन्हें जानवरों की तरह मोटी फीस की लालच में एडमिशन दिया जाता है, अधिकारी बनने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या जो मोटी फीस वसूली जाती है उसके मुताबिक उन्हें वो वातावरण, उन्हें वो माहौल पढ़ने के लिए दिया जाता है? और क्यों दिल्ली के इस प्रशासन को, दिल्ली की इन सेवाओं को हादसे का इंतज़ार रहता है खुद को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं को सही तरीके से जांचने पर रखने के लिए? कुछ लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ था कि फायर डिपार्टमेंट की ओर से इस बिल्डिंग को NOC दी गई थी, किसने दी थी ये बड़ा सवाल है। अब इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आप क्या जानते हैं और क्या पाते हैं कि इसमें गलती किसकी थी। नमस्कार।